वेलकम बैक टू मैनी आनंद ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? आज है आपके आप लोग अच्छे होंगे गैस, और मैं भी यहाँ अच्छा हूँ। तो गैस आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग और होने वाला है। तो गैस आज मैं अब मेरा जो क्या बताऊँ गैस, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरा जो साइकिल था उसको कोई काट दिया है टायर और ट्यूब दोनों को, तो मैं आप लोग को वहाँ से दिखाता हूँ गैस। अब मैं कोचिंग कैसे जाऊँ मैं ये सोच रहा हूँ। तो गैस मेरा जो कोचिंग है सो 2 किलोमीटर दूर है, और मुझे पैदल आज लगता है कि जाना पड़ेगा। गैस मेरे पास साइकिल ना है, और एक्चुअली गैस मेरा बाइक है तो बाइक भी ख़राब हो गया आज, पता नहीं। तो एक साथ ही इतना चीज़ का मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, दिखाता हूँ अभी मैं अपनी साइकिल को। ये है मेरा रेंजर साइकिल, मेरा धन्नु। और ये देखिए गैस किस तरह से इसका कोई है जो टायर को काट दिया है। देखिए गैस मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखिए दिख रहा हो आप लोग को, देखिए गैस। और क्या ही जो बताऊँ, आगे वाला तो काट दिया, तो भाई काट दिया कोई नहीं, बट पीछे वाला भी तो काट दिया है किसी ने। और क्या मैं इधर का बताऊँ, और मैं आपको दिखाता हूँ बैक वाला पिछले का चक्का भी। सो गैस देख सकते हैं इधर का, ये भी काट दिया है टायर यहाँ से। और इसको मैं अपने खुद से मॉडिफाई किया था, और मैं इसमें बाइक का चेन लगाया था, देख सकते हैं आप लोग। और काफ़ी मज़ा आ रहा था चलाने में, बट किसी ने काट दिया। और आज देखते हैं कैसे जाए, और सबसे पहले इसको साइकिल वाले दुकान पे ले चलते हैं, और इसका देखते हैं कि बिल कितना बनता है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए लास्ट तक। चलिए गैस साइकिल को भी लेके ना चलता हूँ साइकिल के दुकान पर। एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। एक बार मैं ऐसे ही मैं साइकिल लगा के गया था, और किसी ने उसमें ताला लॉक कर दिया और चाबी को फेंक दिया, तो फिर उसको ताला तोड़ना पड़े और फिर नया ताला लेना पड़े। पता नहीं कौन ऐसा दुश्मनी कर रहा है, वो तो मुझे खुद नहीं पता। देख सकते हैं अभी साइकिल है, अभी इसको लेके चलते हैं। अभी मैं लेके चलता हूँ साइकिल दुकान पे। किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, अगर कोई साइकिल कोई लगा के जाता है तो उसका नहीं करना चाहिए ऐसा। और एक्चुअली मैं चला गया था कहीं बाहर घर से 2-5-6 दिन के लिए, तो बस इसी में कोई किसी ने काट दिया टायर और ट्यूब दोनों चक्का का। नहीं करना चाहिए ऐसे, कोई बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और अभी मैं वही साइकिल लेकर के चलता हूँ दुकान पे, देखता हूँ कितना खर्चा होता है। आप लोग उन लोगों में बने लास्ट तक। देख नहीं है इधर, यहाँ भी कटा हुआ इधर है, और उधर भी देखिए काट दिया, कहाँ सुबह से काटा है। ये देखिए यहाँ पे नहीं थे गाँव में तो कोई काट दिया। देखिए मैं यहाँ पे साइकिल दे दिया हूँ, और अभी चलते हैं वहाँ, तो नहीं हो पाया तो यहाँ पे दे दिए और चलते हैं अभी घर। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में फाइनली गाइस मैं अभी साइकिल लेके आ गया हूँ, और क्या होगा नहीं होगा तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, तो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार कीजिएगा। अभी तो फिलहाल घर आ गया हूँ, तो अभी मैं अभी इतना इमोशनल हो गई हूँ कि साइकिल था, कोचिंग के लिए जाएंगे तो 2 किलोमीटर हमको पैदल आज चल के जाना पड़ेगा कोचिंग पैदल। तो चलिए कोई नहीं, देखते हैं कल ठीक हो पाए तो आप लोग, तो कल का ब्लॉग देखिएगा जरूर कैसे क्या होता है नहीं होता है, कितना खर्चा हुआ नहीं हुआ। मैं घर आ गया हूँ, और अब भी दिखाता हूँ क्या हमारे अभी सिस्टर जो है वो अपना धनिया का पाउडर जो है सब पीस रही है, और मैं अभी दिखाता हूँ आप लोग को। मिक्सचर से नहीं बल्कि यहाँ पर जत्ता होता है, उसी को घुमा करके और उसमें पाउडर बनता है, तो अभी मैं इसको दिखाता हूँ आप लोग को। देखिए यही है चाता, और इसमें धनिया का पाउडर अभी बना रही है सिस्टर, और पूरा नेचुरल। और शहरों में तो मिक्सर मशीन से किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ चाता से ही किया जाता है।
जो हमारे एंसेस्टर्स लोग, पूर्वज लोग जो कर रहे थे, वो उसी को लेकर के आज ही हमारे यहाँ चलता है, देख सकते हैं अभी आप लोग। तो चलिए गाइस, ब्लॉग बने रहिए लास्ट पर। शांति भगवान तो कहाँ गया है? शांति शांति तो शांति जो है अभी सोई हुए है। क्या हुआ रही शांति को? क्या हुआ शांति को गाइस? तबीयत खराब हो गया है, देखिए देखिए गाइस, शांति को भी तबीयत खराब हो गया है। आप लोग दुआ कीजिए कि जल्दी ठीक हो जाए शांति, मर रही है बेचारी। गाइस आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि शांति कौन है? तो शांति हमारे चाची की छोटी लड़की है, हमारी छोटी सिस्टर, और उसको तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो बेचारी अब सोई हुई है। आप लोग दुआ कीजिएगा कि वो ठीक हो जाए जल्दी। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, एंड चिको मस्जिद ब्लॉग में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में हंसी खुशी के साथ, मज़े मस्ते। और नेक्स्ट ब्लॉग का आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।